हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। जैसा कि आप देख सकते हैं, दो ऐसी कार आपके सामने खड़ी हुई हैं। किसी भी तरह से कोई भी पहचान की जरूरत नहीं है। ये है मारुति डिजायर का VXI मॉडल, जो कि काफी वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट माना जाता है। और यही आपके सामने खड़ी है मारुति स्विफ्ट का VXI मॉडल। इस गाड़ी का वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट VXI माना जाता है। और इन दोनों गाड़ियों का अलग ही सेगमेंट है। ये है डिजायर, काफी प्रीमियम और काफी लग्जरी स्पेस के साथ जानी जाती है। और ये जो मारुति स्विफ्ट है, ये एक हैचबैक कार है। इसकी भी मार्केट काफी टॉप लेवल की है। तो आज हम जानेंगे इन दोनों गाड़ियों में क्या प्राइस डिफरेंस है, क्या फीचर डिफरेंस है, और जब आप मारुति स्विफ्ट से डिजायर में स्विच कर सकते हो तो क्या कुछ एक्स्ट्रा प्राइस पे करना होता है इन दोनों गाड़ियों में, और क्या सारे फैसिलिटीज है सारी चीजों के बारे में। जो मारुति स्विफ्ट से जब आप डिजायर में स्विच करते हैं तो तकरीबन आपको 50,000 रुपया एक्स्ट्रा पे करना होता है। पर जब आप 50,000 रुपया एक्स्ट्रा पे कर देते हैं, क्या एक्स्ट्रा इस डिजायर में मिल जाता है, सारी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। दोनों गाड़ियों में सेम की आपको मिल जाएगी, लॉक लॉक आप यहीं से कर सकते हैं। सेंटर लॉकिंग वगैरह के सारे सिस्टम ऑफर किए गए हैं दोनों गाड़ियों में। ऐसे कुछ लुक निकल के आती है स्विफ्ट की। यहाँ देखेंगे तो वही रेगुलर वाला हैलोजन हेडलैम्प मिल जाएगा। लो बीम और हाई बीम आप यहीं से एडजस्ट कर सकते हैं। टर्न इंडिकेटर फॉग लैंप इस वेरिएंट में नहीं मिलता है। टोन हुक ऑफर किया गया है। 165 mm की आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। काफी बेहतरीन लुक वाला आपको इसमें फ्रंट ग्रिल ऑफर किया गया है। यहाँ का जो आप बात कर लेते हैं डिजायर की, तो डिजायर भी इससे कम नहीं है। डिजायर भी काफी प्रीमियम सेगमेंट में आ जाती है। यहाँ पे आप देखेंगे तो हैलोजन हेडलैम्प्स के साथ लो बीम और हाई बीम यहीं से एडजस्ट कर सकते हैं। टर्न इंडिकेटर्स, फॉग लैंप की प्लेसमेंट आपको यहाँ पे दी गई है। एसेसरीज के तौर पे आप फॉग लैंप लगवा सकते हैं। और काफी बड़ी सी आपको क्रोम ग्रिल ऑफर की गई है। बीच में आपको सुजुकी का लोगो ऑफर किया गया है। और गैपिंग वगैरह का काफी अच्छे तरीके से ध्यान रखा गया है, जो आपकी गाड़ी का इंजन है वो काफी कूल रहे। दोनों गाड़ियों में वो चीज ऑफर की गई है। तो फ्रंट से आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं स्विफ्ट भी काफी अच्छी लगती है, और कहीं ना कहीं डिजायर भी वो चीज हासिल कर लेती है। तो ऐसा कुछ सिस्टम है। अगर जो आप यहाँ डिजायर की बात कर लेते हैं, तो भाई ये स्विफ्ट से काफी लंबी चौड़ी आपको दिखेगी, क्योंकि एक सडान कार है। उस हिसाब से इसकी लंबाई जो है वो आपको स्विफ्ट से ज्यादा मिल जाती है। चेंजेस की बात करते हैं, इसके साइड प्रोफाइल में क्या कुछ चेंज आपको देखने को मिल जाएंगे। दोनों गाड़ियों में कंपनी फिटेड व्हील कैप मिलते हैं, आगे डिस्क मिलेगा, रियर में आपको ड्रम मिल जाता है। यहाँ अगर जो आप दोनों गाड़ी की ORVM की बात करेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक एडजस्ट इसे भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आप एडजस्ट इसे भी कर सकते हैं। जब आप धीरे धीरे इसके रियर में आएंगे, ऐसी कुछ रियर प्रोफाइल है डिजायर की। अगर जो आप स्विफ्ट की बात करेंगे, तो ऐसी कुछ लुक निकल के आती है स्विफ्ट की। 37 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसमें भी मिलेगी, 37 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको इसमें भी मिलेगी। अगर जो आप स्विफ्ट की बात करेंगे, तो VXI मॉडल में आपको वाइपर्स डिफोकस नहीं ऑफर किया गया। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप के साथ नॉर्मल एंटीना ऑफर की गई है। सुजुकी का लोगो स्विफ्ट लिखा गया है 3D में। 4 पॉइंट पार्किंग सेंसर के साथ साथ आपको LED टेल लैंप मिल जाते हैं। ब्रेक वाली यूनिट, टायर इंडिकेटर, रिवर्स लैंप, सारी चीजें ऑफर की गई हैं इस मारुति स्विफ्ट में। यहाँ अगर जो आप डिजायर की बात कर लेते हैं, स्विफ्ट के हिसाब से देखेंगे, तो इस डिजायर में आपको काफी बड़ा सा बूट स्पेस आपको मिल जाता है। 378 लीटर का आपको बूट स्पेस ऑफर किया गया है। यहाँ अगर जो आप मारुति स्विफ्ट की बात करते हैं, तो 268 लीटर का आपको बूट स्पेस मिलता है। तो उस मामले में, बूट स्पेस के मामले में, जो डिजायर है वो आगे हो जाती है। और देखेंगे तो पार्सल ट्रेवरा की इसमें झंझट नहीं रखती है, काफी लग्जरी आपको बूट स्पेस मिल जाएगा। कुछ इस तरह का टेलगेट मिलेगा। यहाँ देखेंगे तो सुजुकी का लोगो हो गया। क्रोम गार्निश की काफी बड़ी सी पट्टी दी गई है। डिजायर लिखा गया है। LED टेल लैंप इसमें भी आते हैं। 37 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसमें भी ऑफर की गई है। और आपको 4 पॉइंट पार्किंग सेंसर इन दोनों गाड़ियों में ऑफर किया गया है। इन पार्किंग सेंसर का यह काम होता है कि 3 फीट के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो जो गाड़ी आपको अंदर टू टू करके बताती रहेगी कि जो गाड़ी है वो टच होने वाली है। ओवरऑल देखा जाए इन दोनों गाड़ियों की एक्सटीरियर प्रोफाइल की, तो आपको कुछ भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। पर यह है, डिजायर आपको काफी लंबी प्रोवाइड करा दी जाती है। तो आइए अब बात कर लेते हैं इन दोनों गाड़ियों के इंटीरियर प्रोफाइल की। सबसे पहले स्विफ्ट से शुरुआत करेंगे, फिर आपको ले चलेंगे डिजायर के इंटीरियर प्रोफाइल में। पूरा फुल तरीके से ब्लैक कलर आपको मिल जाएगा। चारों पावर विंडो के साथ साथ ORVM कंट्रोल्स, 4 स्पीकर म्यूजिक सिस्टम के साथ साथ बोटर होल्डर, पेपर होल्डर, सारी चीजें ऑफर की गई हैं। सॉफ्ट टच यूज की गई है। फैब्रिक की सीट आती है, हाइट एडजस्टेबल वाली सीट मिल जाती है। फ्यूल टैंक आप यहाँ से खोल सकते हैं। और यहाँ देखेंगे तो ट्रक्शन कंट्रोल के साथ साथ इंजन आइडल पोजिशन वाली बटन ऑफर की गई है। तो ऐसा कुछ सिस्टम है। और जब आप इसके इंटीरियर में बैठते हैं, तो यहाँ देखेंगे तो फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील के साथ इंफोटेनमेंट सिस्टम के सारे कंट्रोल्स दिए गए हैं। मैनुअल ऑपरेटिंग में जो सिस्टम मिलेगा, देख सकते हैं, वॉल्यूम अप डाउन करना, फोन उठाने के काटने के, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको स्टीयरिंग पे ही मिल जाते हैं। बीच में सुजुकी का लोगो, ड्राइवर साइड, कोड्राइवर साइड आपको एयरबैग मिल जाएगा। और ऐसे कुछ आपको MRD मिल जाएगा इस मारुति स्विफ्ट में। स्पीडोमीटर के साथ साथ आपको टेकोमीटर मिल जाता है। छोटी सी डिस्प्ले दी गई है। गाड़ी के फ्यूल इकोनॉमी, ट्रिप, AB मैनेज वगैरह को, सारी चीजों को आप इस बटन को प्रेस करके चेक कर सकते हैं। डैशबोर्ड वगैरह आप देख सकते हैं, काफी स्पेसियस आपको मिलेगा। यहाँ देखेंगे तो आपको टिकट होल्डर के साथ साथ डे नाइट IRBM, हैलोजन लाइट, माइक, और यहाँ देखेंगे तो वेटिंग मिरर भी ऑफर की गई है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस हिसाब से एक बेसिक फीचर की जरूरत होती है, इस स्विफ्ट में ऑफर की गई है।
ये हो गया इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम, बटन वगैरह भी दी गई है तो थोड़ी प्रैक्टिकल हो जाती है। मैनुअल एसी मिलेगी जिसे आप अपने हिसाब से ऑपरेट कर सकते हैं। 2 लोड की चार्जिंग सॉकेट दी गई है। यूएसबी पोर्ट के साथ साथ ऑफ का भी ऑप्शन ऑफर किया गया है। स्टोरेज वगैरह दिया गया है, 2 कप होल्डर, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स। इस VXI मॉडल में आपको ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन मिल जाएगा, कोई भी आर्मरेस्ट वगैरह नहीं मिलता है, नॉर्मल सा हैंड ब्रेक और ऐसे कुछ लुक निकल के आती है इस मारुति स्विफ्ट के फ्रंट इंटीरियर प्रोफाइल की। इस चीज को आप नोटिस करिए, जब आप डिजायर के इंटीरियर प्रोफाइल में जाएंगे तो आपको वो डिफरेंस दिखेगा जो आप 50,000 रुपया एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। वो चीज डिजायर के इंटीरियर प्रोफाइल में क्या कुछ फीचर्स ऑफर किए गए हैं, सबसे पहले वो जो प्रीमियमनेस वाली जो फील है इस डिजायर में, वो चीज ऑफर की गई है। देख सकते हैं पूरा फुल तरीके से बेज कलर का इसका इंटीरियर में मिल जाएगा और कहीं ना कहीं स्विफ्ट से गाड़ी काफी प्रीमियम लगती है। यहाँ देखेंगे तो चारों पावर विंडो के साथ साथ ये जो ORVM है डिजायर के, इसे आप इलेक्ट्रॉनिक एडजस्ट और फोल्ड दोनों कर सकते हैं। सॉफ्ट टच का यूज देखने को मिल जाता है। बोटर होल्डर, स्पीकर, सारी चीजें ऑफर की गई हैं। फैब्रिक सीट आती हैं, एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है और हाइट के अकॉर्डिंग आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। यहीं से आप फ्यूल टैंक और जो बूट है वो ओपन कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए इंटीरियर प्रोफाइल काफी बेहतरीन लगता है। जब आप इसके इंटीरियर में बैठेंगे तो ट्रैक्शन कंट्रोल यहाँ पे ऑफर किए गए हैं और हेडरेंस कंट्रोल, सारी चीजें ऑफर की गई हैं। लगाते हैं की को और सारे फीचर्स के बारे में बता देता हूँ। कहीं ना कहीं देखेंगे तो ये गाड़ी जो है मारुति स्विफ्ट से काफी प्रीमियम लगती है। यहाँ पे देखेंगे तो आपको सेम चीज ऑफर की गई है, इंफोटेनमेंट सिस्टम के सारे कंट्रोल, वॉल्यूम अप डाउन करना हो, फोन उठाने के काटने के, ब्लूटूथ कन्वर्टर, सारी चीज ऑफर की गई है। सुजुकी का लोगो, 2 एयरबैग्स, ऐसे कुछ MID आपको इस डिजायर में मिल जाती है। स्पीडोमीटर के साथ साथ आपको टिकोमीटर ऑफर की गई है। इस बटन को प्रेस करके गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी, रेंज वगैरह सारी चीजों को चेक कर सकते हैं। छोटी सी डिस्प्ले दी गई है, सारे इन्फॉर्मेशन आपको इसमें ही देखने आएंगे। दोनों में आपको एनालॉग मिलेगा। डैशबोर्ड वगैरह इसका भी काफी स्पेसियस है। यहाँ देखेंगे तो वुडन स्विच का यूज किया गया है, मैनुअल ऑपरेटिंग म्यूजिक सिस्टम, AC के कंट्रोल्स हो गए, 2 लोड की चार्जिंग सॉकेट, USB पोर्ट, ऑक्स, सारी चीजें ऑफर की गई, स्टोरेज, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स, नॉर्मल सा हैंड ब्रेक, 2 लोड की चार्जिंग सॉकेट दी गई है। यहाँ पे एक चीज एक्स्ट्रा आपको मिल जाएगा। ऊपर देखेंगे तो टिकट होल्डर हो गया, वेटिंग मिरर, हैलोजन लाइट, माइक के साथ साथ आपको डे नाइट IRVM ऑफर किए गए हैं। फ्रंट इंटीरियर प्रोफाइल में कुछ भी आपको चेंज देखने को नहीं मिलेगा। तो आइए रियर स्पेस के बारे में हम आपको बता देते हैं, इसके रियर में क्या कुछ चेंज देखने को मिल जाता है। सबसे पहले अगर आप स्विफ्ट की बात करेंगे तो रियर में कोई भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट वगैरह, AC बैंड वगैरह नहीं ऑफर किए गए हैं। डिजायर में चले जाते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सारी चीजें ऑफर की गई हैं। फैब्रिक सीट के साथ साथ एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है और सेंटर में आप देखेंगे तो आर्मरेस्ट भी ऑफर किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो आप 50,000 रुपये एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, ये सारी चीजें एक्स्ट्रा हो जाती हैं। आपको 2 AC बैंड्स ऑफर किए गए हैं और काफी अच्छा खासा लेगरूम, हेडरूम, सारी चीजें मिल जाती हैं। काफी प्रीमियम इंटीरियर मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए भाई, जिस हिसाब से आपको हैचबैक की जरूरत हो या आपको एक लग्जरी बूट स्पेस चाहिए, प्रीमियम इंटीरियर चाहिए, तो आप मारुति डिजायर की तरफ जा सकते हैं। 50,000 रुपया बचा के आपको एक नॉर्मल फैमिली कार लेकर चलना हो तो आप मारुति स्विफ्ट की तरफ जा सकते हैं। ये रहा कुछ मेरा डिसीजन। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और आशीष का रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। अगर जो आपको मारुति की कोई भी गाड़ी लेना हो तो आप हमारे UP सिद्धार्थनगर में आ सकते हैं, जिनकी कॉन्टैक्ट डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज के बस नहीं, तब तक के लिए धन्यवाद।